الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم اللهم صل على محمد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد माह मुबारक रमज़ान की छठी तारीख है और मैं आप हज़रात की बारगाह में अपने आरज़ पेश करने के लिए बिरादरान इमामी ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद रीजन के अहतमाम से आप हज़रात की बारगाह में अपने आरज़ पेश कर रहा हूँ। माह मुबारक रमज़ान की मुनासिबत से मैंने परवरदिगार आलम का इरशाद, जिसमें परवरदिगार आलम एक आपकी बहुत अच्छी सिफत जो आपको भी बहुत पसंद आई है, इस उस सिफत से खुदा से खिताब कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ मोमिनो तुम पे रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। ये भाई ऐसी नहीं है कि फ़कत तुम्हारे लिए मखसूस बात हो, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये फरीज़ा तुम में से पहले जो उम्मतें थी उन पे भी ये फरीज़ा था। मकसद इसका ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम एक तकवा के दर्जे पे और मुत्तकी बन जाओ। ये अर्ज कर रहा हूँ कि खिताब परवरदिगार आलम है। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इंसान को मैं जिस तरह से शुरू की कुरान की आयतें थी, मैं सूरह बकरा की पढ़ी और उसके ज़िमन में मैंने क्या इंसानों को तीन किस्मों में तकसीम किया था। एक किस्म ऐसे है जिसकी मिसाल मैंने जिस तरह से बच्चे की दी, बच्चा एक खाली वो जहन होता है, वो बच्चे लेता है चीज़ें और जो भी अच्छी बात है वो आपको संभालना उसका भी आपका काम है। कुछ लोग ऐसे सादे होते हैं, सादे बेईमाना नहीं के पागल होते हैं, सादे बेईमाना के किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जे नहीं, वो एक अच्छी बातों की तरह है जो फितरत परवरदिगार आलम ने दी हुई है, अक्ल दी हुई है, उसी बुनियाद पे दूसरी जगह पे खुदा इरशाद फरमाता है बशर इबादी अल्लज़ीना यस्तमिउन अल-क़ौल वयत्तबिउन अहसना, मेरे उन बंदों को बिशारत दे दो जो यस्तमिउन अल-क़ौल, जो बातों को तो सुनते हैं, वयत्तबिउन अहसना, उनमें से अपनी अक्ल दिरायत फ़हम फ़िरासत फितरत ज़मीर सब जो भलाई को तशख़ीस देने की क़ुव्वतें हैं उनके ज़रिए जो सही बात है उसकी इत्तिबा करते हैं। तो एक ऐसे लोग हैं जो बातें सुनने वाले हैं और तशख़ीस देने वाले हैं, और इत्तिफाक से ये परवरदिगार आलम ने एक भलाई की तरफ रुझान जो है इंसान में रख दिया है। यानी आपको जब परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में भेजा है तो बुनियाद आपकी क्या है, बुनियाद आप इसको पूछें कि जिस तरह से आप नेचर की तारीफ करते, मसलन जिस तरह से पानी आप अगर गिराएंगे किस तरफ जाएगा, ढलान, ढलान की तरफ, तो नेचुरली पानी ढलान की तरफ जाता है। इसी तरह इंसान की नेचर और इंसान की ढलान क्या भलाई है या बुराई है, परवरदिगार आलम ने इंसान की फितरत पे कुल मौलूदिन यूलद अल फितरा,
ये हर मौलूद जो भी मुतवल्लिद बच्चा होता है वो फितरत पे होता है, और फितरत जिसके लिए ताबीर क्या है कि रसूलुन बातिनी, फितरत ऐसी चीज़ है जो बातिनी रसूल है, यानी दूसरे लफ्जों में एक ऐसी फौज इलाही है जो आपके परवरदिगार आलम ने उससे मुसल्लह करके आपको भेजा हुआ है, यानी एक बातिनी रसूल है जिसको फितरत कहते हैं। यानी अभी अगर आपसे पूछे तो मसलन बच्चे को ही देखें, बच्चे ने अगर कोई गलत काम किया तो मसलन को क्लास टूट गया, ये गलती है ना। आप ये बच्चे से पूछेंगे तो किसने तोड़ा, तो कैसे बोलेगा, अब झूठ बोल रहा है, झूठ जो बोल रहा है तो कैसे बोलेगा, बहुत मुश्किल से मैं नहीं तोड़ा। लेकिन उसने अगर नहीं तोड़ा होगा तो कैसे मजे से बोलेगा मैं नहीं तोड़ा। ये नहीं, बुराई की तरफ जोर लगाना पड़ता है, अच्छाई की तरफ नेचुरली ये ढलान है, परवरदिगार आलम ने इसको बनाया हुआ है, ये ढलान इसकी भलाई की तरफ जाना है। यानी खुदा ने ये कुव्वत व फितरत व वदियत परवरदिगार आलम ने की हुई है कि ये भलाई की तरफ जाना है इसको। अब वो कह दे कि ये झूठ बोल दो 100 रुपए देंगे तुमको, बोल लेंगे, झूठ बोलने वाला इसको कोई झूठ कोई नहीं समझता, 100 रुपए पे झूठ बोल लेगा। लेकिन एक ने कहा 100 रुपए दूंगा तुमको झूठ बोलो, दूसरे ने कहा सच बोलो 100 रुपए दूंगा, तो अब किसको इंतखाब करेगा, सच क्यों, इसलिए कि उसकी ढलान हुआ भलाई है, जब देख रहा है कि भलाई भी है 100 रुपए भी है, तो मैं इधर झूठ की तरफ क्यों, जो बुराई भी है और 100 रुपए भी लूं और बुराई भी करूं, तो नहीं है, ढलान उसकी अच्छाई की तरफ है। तो परवरदिगार आलम ने इसको एक अच्छाई की तरफ फितरी तरीके से इसकी ढलान अच्छाई की तरफ रखी है, यानी कानूनी तरह से। तो एक इस किस्म के लोग हैं जो भलाई की तरफ और इस फितरी तमाश तरह तरीके पर उस पर जाते हैं। दूसरा ग्रोह इस किस्म का है जिसको अर्ज कर रहा हूँ कि जिसको आप कह दें कि जिद्दी किस्म के और लजबाज, और एक उनके अर्ज कर रहा हूँ दिमागों पे कुछ इस तरह चढ़ा हुआ है जिस तरह से उनको नहीं सुनना कोई चीज़। जिस तरह से आप देखें बहुत बदमाश आदमी हो, उसके सामने आप अच्छाई की बातें करो तो वो सुनेगा ही नहीं, बस सुनेगा ही नहीं, हिदायत की बातें करो वो सुनेगा ही नहीं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं कि मसलन जो गंदी बातें सुनने के आदि है उनके सामने अच्छी बातें करो, असल वो कान ही नहीं धरेंगे। वो जिस किस्म के होते हैं कि इनके यानी इनको वो कुलूब दिमाग उसके उस तरफ मुतवज्जे, इस तरफ तवज्जो ही नहीं होती है। तो इनकी ताबीर जो है कुरान जो कहता है कि हुदल्लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो अच्छी बातें सुनते हैं, इस किस्म के लोग। और वो दूसरे वल्लजीन कफरू, उनकी ताबीर है वल्लजीन कफरू में, कि वो इस किस्म के लोग हैं के सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, चाहे वो बराबर है उनको, चाहे तुम इंतजार करो या न करो, वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत हुए तो उन्हीं के आयजा में, बल्कि ये कहे नू चचा उनके, वो सख्त मुखालिफ थे उनके। हत्ता इनके जिस तरह से हम किसी को पागल बनाए, किसी के पीछे आवाज़ें कैसे, वो इस तरह से पैगंबर के पीछे आवाज़ें कैसे, वो तो भाई पागलों की तरह पीछे फिर पैगंबर के। ये इस किस्म के लोग नहीं, सवा उन्हें अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून,
ये दूसरा हुआ, दूसरा मुनाफिकीन का, मुनाफिक मफाद परस लोग हैं, उधर से मिला उधर से मिला उधर से मिला कहे पर उनके पास कोई हदफ नहीं है, इस किस्म के लोग हैं। बस ये हिदायत तरफ हिदायत हासिल करने वाले वो लोग हैं जो फितरी तकाजों के मुताबिक और अकली तकाजों के मुताबिक जो सोचते भी हैं और अच्छाई की तलाश में भी हैं, तमाम बातें सुनते भी हैं और फिर अर्ज कर रहा हूँ कि अच्छाई की तरफ चले जाते हैं, इस किस्म के लोग हिदायत याफ्ता भी हैं। पता नहीं मेरी बात आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। एक बात याद रखें, ये परवरदिगार आलम ने अंबिया को भेजा, अब दूसरे अंबिया को छोड़े पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हमारे रसूल को भेजा, उसके साथ किताब भेजी, किताब का नाम है कुरान। वो इत्तेफाक से ये वो महीना है माह मुबारक रमजान जिसमें कुरान भी इसी में नाजिल हुआ है। खूब एक फजीलत माह मुबारक रमजान की यह है कि कुरान भी इसी में नाजिल हुआ है। इस कुरान को नाजिल हुआ, अच्छा अब ये कुरान का पहला लफ्ज है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है इसमें कोई रैब नहीं है। रैब को उमूमी तरह से कोई शक कहते हैं, मैं ये इस किस्म की नहीं माना। बहुत से लोग कुरान को नहीं मानते, रैब क्या, इनकार करते हैं असल कुरान को, असल किताबुल्लाह होने का इनकार करते कि अल्लाह की किताब, वो भी नहीं मानते, असल इसको भी नहीं मानते, रैब क्या असल इनकार है, शक क्या। लेकिन ये बातें ऐसी हैं कुरान की कि जिसमें आप कभी कोई शक नहीं दे सकते, कोई ऐसी बातें जो कभी बातिल कर सके नहीं कर सकते। या मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हमारे पास मतलब मैं मौलवी आदमी हूं, मैं मसले सुनाऊंगा। अब मसलन कोई इकोनॉमिक का है तो वो इकोनॉमिक की बात, अब मसलन अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर की बातें बताएगा, कोई इंजीनियर है इंजीनियर की बातें बताएगा। लेकिन अगर डॉक्टर आगे इंजीनियर पे लेक्चर देना शुरू कर दे और इंजीनियरों का मजमा हो तो ये डॉक्टर फिसलेगा या नहीं फिसलेगा? हाँ, इसको हम कहते हैं कोहनिया मारना। अब एक दूसरे को सुनो 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 कैसे उनकी बातें कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर आपके अध्ययन सुनने वाले हों और आप इंजीनियर को खड़ा कर दें और इंजीनियर आके इस टॉपिक पे अर्ज कर रहा हूँ कि तिब के मौजू पे तकरीर करना शुरू करो, कितना फिसलेगा वो? फिसलेगा या नहीं फिसलेगा? बस एक मौजू पे बात करने के लिए लाजमी है उस मौजू से आशना हो, उस मौजू पे तब बोल सकता है वरना नहीं बोल सकता। अब इकोनॉमिक का इकोनॉमिक से बोलेगा, डॉक्टर नहीं बोल सकेगा, वो फिसलेगा। यही इकोनॉमिक्स है या इंजीनियर को आप कह दो डॉक्टर पे बोलो वो फिसलेगा, डॉक्टर को उधर खड़ा कर दो फिसलेगा। कुरान ऐसी किताब है जिसको आप ये कह दे कि साइंस की किताब है, जी नहीं साइंस की किताब नहीं है। को तिब की किताब है, जी तिब की किताब नहीं है। ऐसा नहीं कि तिब की एक और पसरण पहला बाब ये इसका इंट्रोडक्शन ये है, दूसरा बाब ये है, तीसरा बाब ये है, तीसरा चौथा बाब ये है, किताब पढ़ाई जाए, इस किस्म की तिब की किताब नहीं है। आपका जो साइंस की कोई किताब है, जी नहीं साइंस की भी कोई किताब नहीं है। मुआशियात की कोई, जी नहीं कोई मुआशियात की भी किताब नहीं है। लेकिन नजरियात कुरानी आप जाके पूरे कुरान में पढ़े, तिब्बी मसाइल भी इसमें होंगे, साइंसी मसाइल भी इसी में होंगे, और किसी इल्म वाले में ये कुव्वत आज तक नहीं है कि अहकाम कुरानी जो है जो बयान किए गए उनको कहे कि ये हमारी साइंस और हमारे इल्म के खिलाफ है, ये बात नहीं करते। ये है ला रैब फीह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ऐसी किताब है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लाए, परवरदिगार आलम ने भेजा, और ऐसी किताब है कि इसमें कोई भी
किसी भी इल्म वाला कभी भी आके इनके अहकाम को ये कह दो कि ये तिब के खिलाफ है, डॉक्टर ये कहते नहीं है, तिब्बी लिहाज से आप कहते कि नहीं है, मसल शराब हराम कर दी। अब डॉक्टर बैठ के कहेंगे नहीं शराब करोगे कि नहीं ये बात गलत है, अहकाम है इनके कुरान के अहकाम है इस किस्म के है, यानी हर मौजू पे मुआशी लिहाज से भी मसलन क्या चीज़ें तिजारतों के लिहाज से क्या तिजारत हलाल हैं कौन सी तिजारत हराम है, ये इन्हीं लिहाज से फिर आप इन पे जाके बहस करें करें देखें तो देखेंगे कुरान को कभी भी खदशा नहीं वारिद कर सकते, कुरान की ऐसी बातें हैं। सलावत पढ़े ये लोग जो मोमिन है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ऐ मोमिनो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। अच्छा अब ये रोजे फर्ज कर गया है कि या क्या एक एक्सरसाइज है या एक सजा है, या अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में इसमें भी कोई फलसफा पोशीदा है। अब ये बहुत सारी लंबी बातें हैं, मैं इन बातों में तो नहीं जा सकता और मैं हमारे इस जलसात में जो चंद हैं उनमें मैं बातें कर भी सकता हूँ, लेकिन कुल्ली तरीके से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ ये इंसान जिसको आप टू इन वन कह दें, जिस्म जान जिस्म रूह ये दो चीजें, इन दोनों की लड़ाई है। आप इसमें जिस्म ये कहता है कि मैं गलबा कर लूं, रूह ये कहे कि मैं गलबा कर लूं, दूसरे लफ्जों में ये कि जिस्मी तकाजे ये चाहते हैं कि मैं सवार हो जाऊं, रूहानी तकाजे ये कहते हैं कि जिस्म पे मैं सवार हो जाऊं, ये मेरा महकूम हो जाए, जिस्म ये कहे कि रूह मेरा महकूम हो जाए, मैं इस पे हावी हो जाऊं। अब मतलब ख्वाहिशात नफसानी है, मैं बोलूंगा कल ख्वाहिशात नफसानी के लिए भी आपकी खिदमत में, ख्वाहिशात नफसानी है ये नफसानी ख्वाहिशात क्या है, अर्ज कर रहा हूँ जिस्मानी ख्वाहिशात है। मसलन ये पेटू आदमी जो पेट भरता है ये जानवर की मिसल है, वो हलाल हराम को नहीं देखता, वो पेट भरना चाहता है, इसको बैलेंस नहीं करता है। ये इस्लाम पेट के खिलाफ नहीं है कि अगर पेट को खाली रखो पेट को मार दो, ऐसा भी नहीं है, ये नहीं है, ये गलत बात है कि ये बहुत सारे लोग दरवेश हमारे पास आके निकले जो कि खाना पीना ये सब छोड़ के उसके बाद कहते इस्लाम है, उन्होंने बहुत इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है इन लोगों ने जो इस किस्म के दरवेशी किस्म के, अतः इनके हमारे जहनों में भी ऐसा आ गया है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई एक दरवेश थे, अली भी कोई दरवेश थे, और जिस तरह से हम इन दरवेशों को देख देख के तो इस्लाम भी एक दरवेशी है और इस्लाम भी एक दुनिया से कट के रहने की कोई चीज़ है, ऐसा नहीं है इस्लाम, इस्लाम ऐसा नहीं है कि दुनिया से कट के रहने की चीज़ है, बल्कि इस्लाम ऐसा है कि तुम रूहानी तरीके से खुद को इतना बाअज़मत बना लो कि ये तुम अपना जिस्म जो है इसके भी नौकर नहीं बनो। अभी फिर मेरे ख्याल में अभी बात वाज़ेह नहीं हुई, थोड़ा एक सलावत पढ़े तो मैं फिर अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब इंसान ने बहुत बड़ी कुव्वत इख्तियार कर ली है, आप लोग भी बड़ी बातें करते हो, साइंस टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, बड़ी कुव्वतें हासिल कर ले ना इंसान ने, हवा में परवाज कर देता है, चांद पे पहुंच जाता है, ये मोबाइल ईजाद कर दिया है, आओ इसे बातें कर लो जैसे कि आवाज इस तरह पहुंच रहे हो, जैसे बैठे साथ साथ बैठे बात कर रहे हैं, तस्वीरें दे रहे हैं, अब भी आप वीडियो बना के बातें भी कर रहे हैं, दुनिया से लाइव बातें भी कर रहे हैं, दुनिया को कब्जे में ले लिया है, फेजाओं पे आप जा चुके, दूसरे लफ्जों में कह दूं जमीन आपके कब्जे में, जानवर आपके कब्जे में, दरख्त आपके कब्जे में, टेक्नोलॉजी के जरिए पता नहीं क्या क्या कब्जे में ले लिया आपने, सब कुछ हो गया, आपके पास गाड़ी है, गाड़ी आपके कब्जे में है, गियर आप लगाते हो कब्जे में है, ब्रेक आप लगाते हो आपके कब्जे में है, हाँ अर्ज कर रहा हूं कि ये इसका स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में, जहाँ जाओ फेरो इसको ये फेरे तुम्हारे कब्जे में, तुम सवार हो इसके, ऐसा है या नहीं? ये सब कुछ है, गाड़ी तुम्हारे पास है, जहाज तुम्हारे पास है, राकेट तुम्हारे पास है, सबको तुम कब्जे किए हो लेकिन अपने वजूद पे कब्जा नहीं है,
खुद खुद पे कब्जा नहीं है। कोई एक तरीका ऐसा हो जो खुद पे कब्जा करो, पहले कब्जा करने के बाद इस दुनिया पे कब्जा कर लो, ये इस्लाम है। नगर दुनिया से कट जाओ, खुद पे कब्जा करो, दुनिया पे कब्जा करो, और कब्जा गिर जो है ये दुनिया वाले, इनसे कब्जा छुड़ाओ। ये है एक इस्लामी नजरिया। तो ये हमारे पास फकत एक इबादतों को भी एक एक्सरसाइज या उठक बैठकों में इधर हमने आके बद गया, उनकी रूह की तरफ हम मुतवज्जे नहीं है। ये नमाज मसलन अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान में आयत भी है, मगर मौका मिला तो उस पर भी बोल लूंगा। वो कुरान कहता वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, अपने मुश्किलात हल करने के लिए सब्र और नमाज से मदद मांगो। ये कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्र, ये सब्र से मुराद का रोजा है। तो सब्र की जनरल माना भी है, लेकिन रोजा भी तफसील में है। कि रोजे से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो। क्यों? इनके जरिए से तुम बंदगी में जाते हो, बंदगी में गए तो खुद पे कब्जा कर लोगे। अल्लाह का तुम पे कब्जा हो गया, समझो तुमने खुद पे खुद कब्जा कर दिया। जो अल्लाह से कट गया, समझो उसने खुद पे कब्जा नहीं किया। और जितने भी अल्लाह से हटे हुए होंगे, आप देखे होंगे जलील व ख्वार होते रहेंगे। ये अर्ज कर रहा हूँ कि असल इस बुनियाद पे तो ये माह मुबारक रमजान, इसमें कुतिब अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिब अललदीना मिन कब्लिकुम, और अना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इन रसूलुल्लाह खतब नादा यौम, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब, अय्युहन नास इन्नहू कद अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, तुम्हारे पास आ रहा है, अकबला इलैकुम, तुम्हारे पास आ रहा है अल्लाह का महीना। तो माह मुबारक रमजान के लिए कहते हैं कि शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। एक खास है जिसमें परवरदिगार आलम ने एक खास आपको रियायत दी हुई है, और परवरदिगार आलम का ये महीना है, वरना हर महीना अल्लाह का है। इसमें बरकत है, रहमत है, मगफरत है। शहरुन हुवा इंदल्लाह अफजलुश्शुहूर, ये रमजान का महीना। हत्ता इनके बाज हदीसों में यहाँ भी है, ला तकूलु जा रमजान वन कद शहर रमजान, इस तरह मत बोला कहो रमजान आ गया, रमजान चला गया। बल्कि इस तरह बोलो कि जा अशहर रमजान, रमजान का महीना आ गया। शहर रमजान, महीना रमजान आया। वन कजा शहर रमजान, शहर रमजान, रमजान का महीना गया। रमजान क्यों? ले अन्न रमजान इस्मुन मिन अस्माइल्लाह तआला, रमजान अल्लाह के नामों में से एक है। हदीस में है, अभी इतना पुख्ता भी नहीं है, बहरहाल है हदीस में है। भाई उसमें कहा नहीं है कि अल्लाह के नाम में से एक नाम रमजान है, उस मुनासिबत से इस महीने का नाम क्योंकि अल्लाह का खास रमजान भी रख दिया गया। सलावत पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद अफजल अय्याम व लयाली हु अफजल लयाली व सआतुहु अफजल सआत व शहर दुईतुम फीह इला ज़ियाफतिल्लाह, ये ऐसा महीना है जिसमें आपको अल्लाह ने इनवाइट किया है ज़ियाफ़त के लिए, अल्लाह ने आपको एक ज़ियाफ़त दी है। जिसके पास जो होएगा वो अपनी ज़ियाफ़त में वही देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आपके लिए ज़ियाफ़त करेंगे, खाना पिलाना दे देंगे। कोई एक ऐसा होगा कि मसलन को शराब दे देगा। जिसके पास जिस किस्म का होगा वो ज़ियाफ़त उसी अंदाज ही करेगा। परवरदिगार आलम ने अपने बंदे की ज़ियाफ़त की है, और इस ज़ियाफ़त में अपनी कुदरत,
अपने तवानाइयां अपने सिफात फीट करने के लिए बेपरवाही के लिए कि खुद तुम एक अल्लाह के बंदे बनो इस किस्म की तुम्हें ज़ियाफ़त दी है कि तुम आगे इतने बेपरवाह हो जाओ कि ये दुनिया को अमली तरीके से बताओ कि नहीं मैं इतना नहीं बेपरवाह हूँ मैं इसके बगैर जिंदा रह सकता हूँ। एक अल्लाह ने तुमको इन्वाइट किया है दावत दी है तो बहुत बड़ा अर्ज करो एक मकाम है तुम्हारा कि जिसमें परवरदिगार आलम ने तुमको दावत दी है। सलावत पढ़िएगा जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद जुएल तुम फी है मिन अहले करामतिल्लाह। इस रमजान के महीने में करामत तो अल्लाह के लिए है वो करामत जो अल्लाह की सिफत है वो करामत के हुसूल के अहल तुम हो इस महीने में। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। लेकिन अहलियत साबित करना तुम्हारा काम है। यहाँ बहुत सारी बातें हैं अर्ज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह फिर कल अर्ज करेंगे। बहरहाल माह मुबारक रमजान है जिसमें परवरदिगार आलम ने करामत इज्जत शराफत का अहल बनने के लिए आपको दावत दी है ताकि आप एक ऐसे किस्म के इंसान बने जो खुद पे भी कब्जा कर सके कब्जा करके फिर जहान पे भी कब्जा कर सके। इस किस्म की है दावत आपकी। दूसरे इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में आरज़ पेश करेंगे। मौला आप लोगों को तौफीक इनायत फरमाए। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ इमामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद रीजन के दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ उन्होंने करम फरमाया कि इस किस्म का प्रोग्राम बनाया जो मैं आप हजरात की बारगाह में आरज़ पेश करूँ। ब्रदर अबड़ो साहब जहमतें किए इन्होंने उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मौला तौफीक दे आपको इंशाअल्लाह।